गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, कैसे हैं सब? आज हम लाए आपके लिए क्लास फोर, है ना? क्लास थर्ड में हमने क्या करा था? क्लास थर्ड में ये था, हमने एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल का निकाला था हमने, है ना? आज हम करेंगे इसका सेक्शन फॉर्मूला. सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है? तो देखिए जल्दी से, द कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हुए हैं एक्स वाई ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स, जो क्या करता है, विच डिवाइड्स करता है द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू इंटरनली इन द रेशियो. अब लाइन सेगमेंट क्या होता है? रेखाखंड, है ना, जो हमारा एक्स वाई पॉइंट है वो डिवाइड्स कर रहा है. जैसे कोई दो पॉइंट है हमारे, है ना, उसको डिवाइड कर रहा है. जरूरी नहीं है बीच में कर रहा है, कहीं भी कर सकता है, यहां भी कर सकता है, यहां भी कर सकता है, बराबर भी हो सकते हैं, बराबर नहीं भी हो सकते. ये एम रेशियो और ये एन रेशियो है ना, सॉरी एम है और ये एन है. एम जैसे यहाँ दो है तो यहाँ वन हो सकता है, है ना, या फिर दोनों बराबर भी हो सकते हैं, वन वन भी हो सकते हैं, कुछ भी. तो इसमें क्या है, पहला इंटरनली इन द रेशियो. जब भी इंटरनली के लिए आएगा तो आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है इसमें? प्लस वाला, एक्स इक्वल एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन एम प्लस एन. दूसरा क्या है, वाई इक्वल एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन, है ना, ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा. उसके बाद है कि एक्सटर्नल डिवीजन. जब हमारा क्या होगा, एक्सटर्नल डिवीजन होगा, मतलब जो हमारे दोनों पॉइंट है ए और बी, जो हमारे दोनों पॉइंट है वो इधर आएंगे और जो हमारा मिड पॉइंट है वो कहीं बाहर होगा, है ना, ऐसे कहीं बाहर होगा, तो वो हमारा एक्सटर्नली हो जाएगा. इसके लिए क्या फॉर्मूला है, एक्स इक्वल एम एक्स टू माइनस एन एक्स वन अपॉन एम माइनस एन एंड वाई इक्वल एम वाई टू माइनस एन वाई वन अपॉन एम माइनस एन. देखो दोनों में सेम है, बस एक्सटर्नली में माइनस हो जाएगा और इंटरनली में प्लस हो जाएगा. उसके बाद हम देखते हैं सेंट्रोइड. अब सेंट्रोइड क्या होता है, उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए. देखिए सेंट्रोइड क्या है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल. जो हमारा दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं ऑफ द सेंट्रोइड के, ऑफ द ट्राइंगल हूज वर्टेसेस आर, जिसके वर्टेसेस कह रही हूं एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू और एन एक्स थ्री वाई थ्री. मान लीजिए कोई हमारा ट्राइंगल है ना, किसी भी फॉर्म में ले लीजिए. तो इसके ये जो पॉइंट है, ये ए बी सी, तो यहाँ पर इसके मीडियन जा रहा है, मतलब माध्यिका जा रही है, ये इसको यहां से मीट कर रही है, इसकी निकाल इसको यहां से मीट कर रही है और इसको ये यहां से कर रही है. तो ये जो हमारा बीच का पॉइंट है, ये हमारा क्या होता है, सेंट्रोइड होता है. तो सेंट्रोइड का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स पॉइंट. जब इसके मान लीजिए ये पॉइंट क्या है, एक्स वाई, है ना, इसके पॉइंट मान लीजिए ये एक्स वन वाई वन है, ये क्या है एक्स टू वाई टू है, ये एक्स थ्री वाई थ्री है. तो क्या आ जाएगा, x इक्वल आ जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 और y पॉइंट क्या आ जाएगा, y इक्वल y1 y2 y3 अपॉन 3. ठीक है, कहीं भी अगर हमें सेंट्रोइड निकालने के लिए दे दिया जाए तो डायरेक्ट आप ये बोले फॉर्मूले से इसके पॉइंट निकाल सकते हैं ना. अगला देखिए, सेकंड आता है इन सेंटर. अब इन सेंटर क्या होता है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इन सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल, है ना, कि हमारा ट्राइंगल के अंदर इन सेंटर कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, हूज, अगर उसके वर्टेसेस दिए हुए हैं हमें किसके, ट्राइंगल के वर्टेसेस कितने दिए हुए हैं, एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू एंड एक्स थ्री वाई थ्री. तो हमारा ये पॉइंट्स हो जाएंगे. अब पॉइंट कैसे निकाले इसमें देखिए, इसमें ए, तो देखिए ये आ जाएगा एक्स टू वाई टू एंड एक्स थ्री वाई थ्री, है ना. तो पॉइंट क्या है, एक्स इक्वल ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री अपॉन ए प्लस बी प्लस सी. अब ए बी सी है क्या, ए बी सी जो है, वेयर ए बी सी द साइड ऑफ ट्राइंगल, जो हमारा ये ट्राइंगल है इसकी जो साइड है ना, कुछ भी साइड होती है ए बी सी, है ना, ये जो साइड है ये हमारे क्या हो जाएंगे, ये यहाँ पर लिखी जाएंगी ए बी सी. ठीक है, और वाई इक्वल क्या है, ए वाई वन प्लस बी वाई टू सी वाई थ्री अपॉन ए प्लस बी प्लस सी. देखिए दोनों में सेम है, बस क्या है, सेंट्रोइड वाले में ए बी सी नहीं होंगे, है ना, तीनों एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री को प्लस करके तीन से डिवाइड कर देंगे. और इन सेंटर में क्या हो जाएगा, इन सेंटर में हमें ए बी सी साइड्स दी होंगी साथ में, तब हम निकालेंगे इन सेंटर. तो आज हमने क्या देखा, सेक्शन फॉर्मूला, है ना, सेक्शन फॉर्मूले में क्या देखा, इंटरनली एक्सटर्नली सेंट्रोइड एंड इन सेंटर. कल हम इसकी नेक्स्ट क्लास में, क्लास फाइव में हम इसके क्वेश्चन करेंगे, हर मतलब इसका एक क्वेश्चन करेंगे. तो कल तक के लिए जय हिंद, जय भारत.